तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयातो। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश्वर को दास का परिणाम है। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। सियावर रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सीताराम। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में झाल लगाते हैं। विश्राम के अंतिम दोहे से शुरू करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। नीलकंठ कल कंठ सुक चातक चक चकोर, भांति भांति बोलहिं बियग श्रवण सुखद चित चोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। भक्तों, श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, नीलकंठ कोयल तोते पपी है, चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। करी कहरी कपी कोल कुरंगा, विगत बैर बिच रही सब संगा। फिरत अहेर राम छबि देखी, होई मुदित मृग वृंद विशेषी। हाथी सिंह बंदर सुअर और हिरण ये सब वैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देख देख कर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। विविध विपिन जह लगी जग माही, देखी राम बनु सकल सिहाही। सुरसरी सरसई दिन कर कन्या, मेकल सुता गोदावरी धन्या। इस जगत में जहां तक जितने देवताओं के वन हैं, सब श्री राम जी के वन को देखकर सिहाते हैं। गंगा नदी, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य पुण्यमयी नदियां। सब सर सिंधु नदी नद नाना, मंदा की निकर कर ही बखाना। उदय अस्त गिरी अरु कैलासु, मंदर मेरु सकल सुर वासु। सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान है। शैल हिमाचल आदि के जेते, चित्रकूट जसुगा वही तेते। विधि मुदित मन सुख न समाई, श्रम बिनु विपुल बड़ाई पाई। और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं, सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसके मन में सुख समाता ही नहीं, क्योंकि उसने बिना परिश्रम ही बहुत बड़ी बड़ाई पा ली है। श्री राम जय जय राम दोहा। चित्रकूट के व्यग मृग बेली बिटप तृण जाति, पुण्य पुंज सब धन्य अस कहीं देव दिन राति। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। और चित्रकूट के पक्षी पशु बेल वृक्ष तृण अंकुर आदि सभी जातियां पुण्य की राशि है, और वे धन्य है देवता ऐसा दिन रात कहते हैं। नयन वंत रघुवर ही बिलो की, पाई जन्म फल होई विशो की। परसि चरण रज अचर सुखारी, भये परम पद के अधिकारी। जितने भी आंखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित तो हो रहे हैं, और अचर पर्वत वृक्ष भूमि नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यो सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो गए हैं। सोबनु सैलु सुभाए सुहावन, मंगल में अति पावन पावन। महिमा कहिए कवनी विदितासु, सुख सागर जह कीन निवासु। वह पर्वत और वन स्वभाव की ही सुंदर मंगलमय और अत्यंत पवित्र को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार बखान कर कही जाए।
जहां सुख के समुद्र श्री राम जी ने निवास किया है। पया पयोधित जी अवध बिहाई, जैसी लखनऊ राम रहे आई। कही न सकई सुषमा जसी कानन, जो सत सहस होई सहसाजन। शीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहां श्री सीता जी, श्री लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रह रहे हैं, उस वन की जैसी परम शोभा है, उसको हजार मुख वाले जो लाख शेष जी हो तो वे भी नहीं कह सकते। सो मैं बरनी कहूं विधि के ही, डाबर कमठ की मंदर ले ही। से वही लखनऊ करम मन बानी, जाई ने सीलु सने हूं बखानी। फिर उसे भला मैं तुलसीदास किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूं? कहीं पोखरे का शुद्र कछुआ भी मंदराचल को उठा सकता है क्या? लक्ष्मण जी मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा कर रहे हैं, उनके सील और स्नेह का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। श्री राम जय राम जय जय राम दोहा, चिन्ह चिन्ह लखी सी राम पद जानी। आप परने हो करत ने सपने हो लखनु चितु, बंधु मातु पितु गे हो सियावर। राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीता राम। भक्तों श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, क्षण क्षण पर श्री सीताराम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर श्री लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों माता पिता और घर की याद नहीं करते। राम संग सिये रहती सुखारी, पुर परिजन गृह सुरति बिसारी। छिन छिन पिय विदु वदन निहारी, प्रमुदित मन हु चकोर कुमारी। और श्री रामचंद्र जी के साथ श्री सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती हैं। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देख देख कर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं, जैसे चकोर कुमारी चकोरी चंद्रमा को देखकर प्रसन्न रहती है। नाहने हो नित बढ़त विलो की, हर्षित रहती दिवस जिमिको की। सिय मनु राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बनु प्रिय लागा। अपने स्वामी का प्रेम और अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर श्री सीता जी ऐसे हर्षित रहती हैं, जैसे दिन में चकवी रहती है। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है, इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग बिहंगा। सासु ससुर सम मुनि तिय मुनि बर, असनु अमीय सम कंद मूल फर। अपने प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्ण कुटी प्यारी लगती है, मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान, और कंद मूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। नाथ साथ साथ हरि सुहाई, मयन शयन सय सम सुखदाई। लोकप होई बिलोकत जासु, तेहि की मोहि सक विषय विलासु। अपने स्वामी के साथ सुंदर साथरी, क्रस और पत्तों की सेज, सैकड़ों कामदेवों की सेजों के समान सुख देने वाली है, जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं, उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। श्री राम जय जय राम दोहा, सुमिरत राम हित जहित जन, त्रण सम विषय विलासु। राम प्रिया जग जन निसी है, कछु ने आचर जुतासु। सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीता राम। भक्तों श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जिन श्री रामचंद्र जी का श्रवण करने से ही भक्त जन तमाम भोग विलास को तिनके एक समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता श्री सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। श्री राम जय जय राम। भक्तों आज का विश्राम यहीं लेते हैं।
जपले बंदे श्याम सवेरे एक माला हरि नाम की, जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोले राजा रामचंद्र महाराज की।